नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो माइक्रोवेव इंस्टॉलेशन की है। ये मेरे किचन का एक नया गैजेट है जो मुझे अभी रिसीव हुआ है। इसका पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके साथ इंजीनियर अभी शेयर करेंगे। आई होप आप सबके लिए यूजफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगे और थोड़े सी भी आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये माइक्रोवेव LG का है, 28 लीटर है। ये क्या भैया इसमें कितने अच्छे जाली इसके सामान में रोटेशन से टाइम देना। अच्छा, नॉर्मली कितने देर में हो जाता है ये? 1 से 1.5 मिनट में खाना गर्म हो जाता है। सब्जी जी, रोटी वोटी कुछ? अच्छा, टाइम दिया और स्टार्ट कर दिया हमने। ओके, माइक्रो मोड में जाएगा ये। स्टार्ट, ये है स्टार्ट लिखा हुआ। अच्छा ओके, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कमांड रुकेगी, लगता है आपने ज्यादा टाइम दे दिया है, तो आप देख सकते हैं कि खाना गर्म हो रहा है कि जल्ला। स्टॉप करके देख करंट सकते हैं। वरंट तो नहीं मारेगा? अगर जो हो गया हो तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर वो खाना गर्म हो गया तो यहाँ से क्लियर करना है, हाँ नहीं तो फिर दोबारा स्टार्ट करना। बिल्कुल जी, ओके ठीक है। ओके, अब ये पहले आते हैं इन बटन्स पे। हाँ, माइक्रो। ये 4 बटन है, देखने में 3 है लेकिन है ये 4। अच्छा ठीक है। अच्छा माइक्रो मोड, जो आप सपोज आपने कोई रेसिपी देखी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे या कहीं से रेसिपी लिख के लेके आते हैं, तो रेसिपी में 3 चीजें मोस्ट लिखी होती हैं, किस मोड में बनेगा, कितने डिग्री सेल्सियस या कितने वाट पे बनेगा और कितने टाइम तक बनेगा। ठीक है, ये 3 चीजें रेसिपी में मोस्ट होती हैं। ओके ये देखो माइक्रो, ये इसकी है 900 वाट की हीट। अच्छा ठीक है, सपोज आपने इससे कम वाट की रेसिपी देखी है, इसको दोबारा प्रेस करेंगे 720, ओके 540। सपोज आपने 540 वाट की रेसिपी देखी है आपने, ठीक है, 540 हमने सेलेक्ट करा। अब यहाँ रोटेशन से हम टाइम देंगे कि इतने टाइम तक हमें ये चीज बनानी है। ठीक है, वो टाइम हमने सेलेक्ट करा। अभी देखो ब्लिंक कर रहा है स्टार्ट का बटन, ये सिंपल देखो बना हुआ है। ओके स्टार्ट करेंगे उतनी देर में आपकी चीज वो बन जाएगी। अच्छा ठीक है, स्टॉप और क्लियर। दूसरा है अच्छा, आपका इससे टेम्परेचर करना है मेरे को कि कितने टेम्परेचर पे मेरे को बनाना है, बिल्कुल वो फिर रेसिपी टाइम के सिलेक्ट अकॉर्डिंग, करके मेरे को स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल टेम्परेचर सेलेक्ट करके रोटेशन टाइम डालना और स्टार्ट टाइम करें। टाइम का ये है हाँ, टाइम और ना? वेट, वेट मतलब? वेट भी अभी आगे चल के अच्छा, बताऊंगा, अभी तो ठीक है फिलहाल ठीक ना ओके देखो। ओके। ये दूसरा है ग्रिल। हाँ जी, ग्रिल जैसे आपने पनीर टिक्का लिया या चिकन टिक्का लिया, जो भी ग्रिलिंग करनी हो, तो उसके लिए कंपनी ने ये रोड दे रखी है आपको। अच्छा यहाँ पे दोनों में अपना लगेगा, ओके पनीर टिक्का या चिकन टिक्का। अच्छा
एक हिस्सा इधर फंसेगा, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें टेम्परेचर वगैरह सेट करने की कुछ नहीं जरूरत है, ग्रिल प्रेस करके टाइम देना कि इतने टाइम तक हमें ग्रिल करना है। अच्छा, और स्टार्ट कर देना, देखो यहाँ पे रोटेशन शुरू हो गई होगी, रोटेशन तो घूमने वाली होगी ना, ठीक है जी। इसमें मेरे को वो टेम्परेचर नहीं सिलेक्ट करना है ग्रिल के लिए, बस इसमें टाइम करना। टेम्परेचर तो मोस्टली उसके लिए केक वगैरह के लिए होता है ना। हाँ जी, कई बार ये रोड गर्म हो जाती है तो उसको उतारने के लिए दे रखा कंपनी ने, ऐसे ही उतरेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा, उतार के ट्रे में रख सकते हो। अच्छा चलो ठीक है। ये है कन्वेक्शन मोड। हाँ जी, बेकिंग का सारा सामान आपका इसी में बनेगा, जैसे केक बनाना हो, पिज्जा बनाना हो, जो भी बनाना। अच्छा, कन्वेक्शन पे बनता है, कन्वेक्शन में ही बनेगा। ये देखो दूसरा सिंबल यहाँ पे फैन बन गया है 180 डिग्री। सपोज आपको ज्यादा करना है इसे या कम करना है, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बढ़ेगा, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो कम होएगा, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया है, जब तक इसके अंदर मेंटेन नहीं होगा तब तक ये होता रहेगा प्री हीट। अच्छा, टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ही बीप की आवाज आएगी इसके अंदर, फिर आप अपनी वो रेसिपी जो रेसिपी इसके अंदर डालो और टाइम दो। अच्छा ठीक है, ओके। ये देखो मैडम कॉम्बी है, इस पर ग्रिल और कॉम्बी है ना, इसको दो दो बार प्रेस करेंगे ना तो देखो दो लाइटें ब्लिंक करेंगी, एक बार और इसको करेंगे तो ये माइक्रो इसकी ग्रिल की वही कॉन्स्टेंट, अभी देखो ये वाली लाइट जल रही है, इसको दबाएंगे, ये इसकी कांस्टेंट हीट है 180 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, इसमें हम सिर्फ टाइम दे सकते हैं कि इतने टाइम तक हमें चीज दोनों करनी है। कॉम्बी में सपोज आपने, कॉम्बी में क्या होता है, कॉम्बी में ये होता है जैसे कि आपने पिज्जा बनाया, लगता है कि अंदर से थोड़ा और पका होना चाहिए था पिज्जा और ऊपर से और करारा होना चाहिए था, तो ये कॉम्बी मटन हम यूज करते हैं। तो फिर इसको दो बार दबाएंगे कॉम्बी पे जाने के लिए। हाँ, दो बार दबाएंगे, उसके बाद ग्रिल दबाएंगे, फिर माइक्रो दबाएंगे। इसको कॉम्बी को दो बार दबाओ, फिर ग्रिल दबाओ, फिर माइक्रो को। समझा देता हूँ दोबारा, दोबारा एक दो, हाँ जी, एक बार और, हाँ। एक ग्रिल रुक गई, हाँ जी, अभी माइक्रो दोनों रुक गई, और इसमें हमने टाइम दिया और स्टार्ट कर दिया, कितने टाइम और पकाना है उस। ठीक है, अच्छा ये आ गया समाचार बेटा। हाँ जी, ये जो आपके बटन्स हैं जी सारे, हाँ। ये इस बुक के भी यहाँ पे चलेंगे आपके। अच्छा, इसमें बिल्कुल इजी है, इसमें सिर्फ वेट और पीसेस पूछेगा बस, और कुछ नहीं करना, टाइम और किस मोड में बनाना है अपने आप बताएगा ये। डाइट फ्राई लो कैलोरी DF1, इसको हम प्रेस करेंगे, DF1 कोड आएगा, देखो डाइट फ्राई लो कैलोरी के यहाँ तक है आपके। अच्छा ठीक है, DF1 पे क्या आइटम है, चिकन नगेट्स, इसका दूसरा कोड है 2, आलू चिप्स, 3 गुजिया, 4 समोसा। अच्छा, ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है इस बुक का। अच्छा, डाइट के लिए। अच्छा ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर देना, पहले प्री हीट होगा समोसे के लिए। हाँ जी, हाँ जी, प्री हीट होने के बाद आप समोसा डालना। अच्छा, बिना तेल के समोसा बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ऑयलिंग के लिए बीच बीच में इसमें बीप की आवाज आती है, तो आप स्टॉप करके बार खोल के ऑयल को अगर लगा सकते हो, कोट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जी, इसको डबल प्रेस करेंगे तो HP का कोड आएगा, ये हेल्थ प्लस का। अच्छा, काला चना, ये काला चना का इसमें क्या होगा, बॉयल होएगा, किसी को भुनेगा, बनेगा मैडम, काला चना सब्जी जो होती है काले चने की, वो बनेगा। अच्छा ठीक है, ऐसे इसके कोड रोटेट होके चेंज होंगे। अच्छा, जो आइटम बनाना हो आपको वो कोड सेलेक्ट करना और स्टार्ट कर देना है। ओके ठीक है, किसी में पीसेस पूछेगा, जैसे कोई पीस है कि कितने पीस हैं, 4 पीस, 8 पीस, स्टार्ट कर देंगे, इतनी देर में आपका बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे चारकोल का है CH1 पनीर टिक्का, स्टार्ट करेंगे पहले प्री हीट होएगा ऐसे सारे बटन चलेंगे आपके, ये सारे के सारे जो इसमें ऊपर कोड है ये सब इसमें भी दिए हुए हैं। देखो ये मेनू दे रखी है, चारकोल की मेनू है, डाइट फ्राई की मेनू है, इंडियन बास्केट रोटी है, घी है, ऐसे सबके लिख रखे हैं। घी का क्या है भैया, घी? अच्छा, घी में जो चीज बना रहे हो आप, वो घी बनाने का भी है। अच्छा, हाँ, कैसे बनेगा? अच्छा, घी इंडियन का साइन लिखा है ना, इसको हम प्रेस करेंगे, GH1 आएगा। इसकी घी बनाने की रेसिपी पेज नंबर 66 पे लिखा हुआ है इसके बुक के। अच्छा ठीक है, ऐसे बनेगा, कैसे सारी चीजें। अच्छा, ये बुक रखनी पड़ेगी सामने। बिल्कुल, ये अगर जो ये बटन आपको यूज करने हैं तो नॉर्मल मैडम इसको रखना पड़ेगा बुक। अच्छा, बाद बाकी कंपनी ने 3 कुकिंग क्लासेस भी दे रखी हैं, आप क्लासेस भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कहां पे मिलेंगी, ऑनलाइन इनकी देते हैं, जाके लेना पड़ता है।
यहाँ पे है इनका। कस्टमर केयर पे फोन करना, वो जो भी नियर अबाउट जहाँ सेफ आते हैं ना, आपको लोकेट कर देंगे कि यहाँ पे आप जाके क्लासेस ले सकते हो। फ्री देते हैं क्लास? हाँ जी, 3 क्लासेस फ्री है, वहाँ बना के दिखाएंगे आपको। तो अभी तो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ पैनल डेमो बताया। अभी एक बार इनको ना दोबारा से एक बार ये बताइए, जैसे सब्जी रखी फ्रिज में, उसको इनको गर्म करना है, सिंपल खोलना है इसको, यहाँ सब्जी रखनी है, बंद कर देना, टाइम देना है एक दो एक मिनट में, टेम्परेचर अपने आप ले लेगा, टेम्परेचर अपने आप लेगा, स्टार्ट कर देना। अच्छा, वो टाइम खत्म होते बीप करेगा? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ये टिक्का इसने बनाया, मान लीजिए टिक्का बनाया इसने, ग्रिल का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, वो लगा दिया उसमें, लगा के और छोड़ दिया, सेम टाइम सेलेक्ट करना है उसमें टिक्का के लिए, गर्म करने के लिए बनाना है टिक्का, बनाना है तो उसके रेसिपी के अकॉर्डिंग बनेगा ना जी वो। अच्छा, कि इतने टाइम तक बनाना, मैंने 3 चीज आपको बताई है कि किस मोड में बनेगा, कितने टाइम तक बनेगा, कितने डिग्री सेल्सियस या कितने वाट पे बनेगा, वो चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी एक बार रिवीजन टाइप या रिवाइज के लिए एक बार बता दीजिए, जैसे इन्होंने एक बार करके, जैसे सपोज वो रोटेशनरी रोड इसमें लगा दी, उसके बाद सेलेक्ट क्या करेंगे, या प्री हीट करना पड़ेगा उसको? आइटम के अकॉर्डिंग है कि आप क्या बना रहे हैं। पनीर टिक्का बना रही हूं मैं। पनीर टिक्का बनाना है ना आपको? ज्यादातर तो उसी में यूज होगा ना ये। हाँ, तो आप ये चारकोल में सीधा जाओ। अच्छा, चारकोल, जैसे एक बार करके बताइए एक बार। ये हमने किताब उठाई, चारकोल CH1 आया, ठीक है, CH1 आके इसका पहले प्रीहीट होगा। अच्छा, प्रीहीट के, ठीक है, प्रीहीट होने के बाद ही आप इसमें सामान रख सकते हैं, अभी कुछ नहीं रख सकते, इसको खाली ऐसे चलेगा। प्रीहीट करेगा। अच्छा, प्रीहीट हो गया इसका, फिर बीप करेगा? बिल्कुल, प्रीहीट हो चुका, फिर उसके अंदर पीसेस लगा के इसके अंदर सेट कर दो। अच्छा, वो रख दिया मान लीजिए सामान, उसके बाद यहाँ पे टाइम अपने आप शो करेगा कितने टाइम तक बनेगा। ओके, तो सिर्फ स्टार्ट बटन दबाना है बस। ओके, वो रेडी हो गया, फिर बीप करेगा, ठीक, टाइम यहाँ पे लिख के जाएगा एंड। ओके ओके ओके। अच्छा, ये भी, ये पिज्जा स्टैंड आपका, इनका यूज होगा बता दो। इसके एक साथ दो पिज्जा बना सकते हैं आप। अच्छा, जैसे ये है ना किड्स डिलाइट, इसमें CF4 पे है कोड। अच्छा, पिज्जा का पहले प्री हीट होगा, प्री हीट होने के साथ पिज्जा बेस तैयार रखेंगे हम, जब प्री हीट हो जाएगा तो बेस को प्लेट में रखकर रखना है, बेस पे रख सकते हैं, ग्रिल की तरह हो जाएगा फिर में। अच्छा, ब्रेड ब्रेड सैंडविच बनानी हो, ब्रेड पिज्जा बनाना, वो भी इस पे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग है? उसके लिए मैडम ये सब तवा है, ये रोटी वगैरह नान वगैरह बनाने के लिए तवा दे रखा कंपनी ने। अच्छा, दिया कुछ तो दिया, चलो ठीक। उसमें दूध गर्म कर सकते हैं, ये जो प्लास्टिक वाला है ये आपका दूध गर्म है, इसको डबल प्रेस करोगे ना, सॉरी एक बार TS1 आएगा। अच्छा, टी डेरी डिलाइट, टी का भी लिखा, चाय भी बन जाती है? चाय भी बन जाती है, निकलेगी नहीं इसमें से? दूध गर्म करने के लिए, दूध जब भी गर्म होगा ये ऐसे खुला होना चाहिए, ढका नहीं होना चाहिए, इसके बॉईल हो जाएगा, ठीक है। इस पे देखो क्वांटिटी लिखी हुई, 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर। अच्छा, 2 लीटर तक दूध इसमें गर्म है, ठीक है जी। अच्छा, का गिरता तो नहीं है? जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे देखो लीटर पूछेगा, 1-2 लीटर 1.5 लीटर 1 लीटर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सेलेक्ट करना स्टार्ट। अब यहाँ पे फिर स्टार्ट करा 25 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे आपको लगता है थोड़ा काम कर रहे हैं मैं इधर उधर, तो टाइम 4 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा लगेगा और 25 डिग्री सेल्सियस पे कम लगेगा। अच्छा, ये इसके बाद दूध गर्म होने के बाद बीप करता है या फिर खुद से निकालना पड़ेगा? टाइम खत्म हो जाएगा, खुद से निकालना पड़ेगा। निकलेगा तो नहीं, तो नहीं बिखर सकता है? नहीं नहीं बिखरेगा, नहीं बॉयल हो गया तो नहीं निकलेगा। अच्छा, टाइम खत्म हो जाएगा ना उतने टाइम तक, अजी बंद हो जाएगा फिर अपने आप, जैसे मशीनें हो जाती है वो सी मशीन वगैरह उसके तरह। अच्छा, ठीक है, कुछ और जैसे बर्तन जैसे नॉर्मली यूज करते हैं ना प्लास्टिक वाले, ये वो बर्तन के लिए आपको ये दे रखा है, 21 मोड में आपको मैंने चारों मोड बताए हैं, कॉम्बी कन्वेक्शन ग्रिल एंड माइक्रो। ये देखो ये चारों मोड लिख रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके बर्तन बना रखे हैं, किस मोड में कौन सा बर्तन यूज होगा, जिस पे क्रॉस है उसमें नहीं होगा और जिस पे ग्रीन है उसमें होगा। सपोज ये बोरोसिल है, बोरोसिल सब में चल जाता है ना? अच्छा, वो जो कांच जैसा आता है, ओके, ठीक है जी। बाद बाकी इसके प्रिकॉशंस यही है कि जब ये यूज हो रहा हो तो इसको ऊपर कुछ ढकना नहीं है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, गीले हाथ इसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है। तीसरा, इस प्लेट के ऊपर कुछ गिर जाए और प्लेट गर्म हो तो ठंडे पानी के नीचे डायरेक्ट नहीं डालना है, ठंडी होने के बाद ही धो सकते हो। इस पे कुछ गिर जाए तो चम्मच या चाकू से खरोच नहीं मारना है। अच्छा, ठीक है। वो कैसे होगा, साफ कपड़े से? हाँ, इसके लिए क्या करना है, एक बोरोसिल के बॉल में पानी लेना 400 से 500 ml, एक नींबू निचोड़ना है पूरा और यहाँ से 10 मिनट का टाइम देना है और स्टार्ट कर देना है। अच्छा, ठीक है। 10 मिनट के बाद इसके अंदर स्टीम बनी मिलेगी आपको भाप एक। अच्छा,
एक सॉफ्ट कपड़े से आप उसको साफ कर सकते हो। अच्छा, पानी डाल के इसके अंदर रख दो, नींबू और निचोड़ के पानी डाल के, फिर बाद में कपड़े से उसको नैपकिन से कपड़े से साफ। बिल्कुल जो स्क्रैच ना। अच्छा अच्छा ये यहाँ पे जैसे